ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित जानकारी कल एक पत्रकार परिषद कर चुनाव अधिकारी सुभाष काकड़े ने आम जनता के साथ साथ शहर के नेताओं को किस तरह से सूचित किया है, क्या जानकारी दिया है, वो आप सुनेंगे हमारी इस खबर में। लेकिन हम आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र में 355 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 177 सेंटर कलवा में और 175 जो सेंटर है वो मुमरा में बनाए गए हैं। और इस बार सारे पोलिंग सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेंगे, जिससे सीनियर सिटीजन अपंग मतदाताओं को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकेगी, इसलिए खास करके ध्यान दिया गया है। और एक बात ये भी बता दें, मतदाताओं को वोट देने जाते समय अपने साथ अपनी फ़ोटो लगी हुई आईडी ज़रूरी होगा ले जाना, और जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त कोई भी आईडी लेकर जा सकेंगे। और चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी ऐप सुविधा से ले सकते हैं, और आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता हो या फिर कोई शिकायत हो तो आप सी विजन ऐप पर भी कर सकते हैं शिकायत, और इसके लिए एक स्टेडियम में स्क्वाड बनाया गया है, वहां भी कर सकते हैं। और इस पूरी जानकारी को प्रहार टाइम्स की संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने कवर किया है, और चुनाव अधिकारी ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है वो आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम्स से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हम खड़े हैं एमएम वैली के स्टेडियम परिसर में। यहाँ पे विधानसभा चुनाव कार्यालय बनाया गया है, और आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसको सुभाष काकड़े ने इसमें ये कहा है कि आचार संहिता भंग करने वालों की अगर आपको शिकायत दर्ज करनी हो तो आप यहाँ पर आके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, या तो फिर आप सी विजिल पर भी अपना शिकायत दर्ज कर सकते हो। और इसी पर उन्होंने सुभाष काकड़े ने और एक जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आपको अगर चुनाव से जुड़े कोई भी जानकारी लेना हो तो सुविधा ऐप्स एक मोबाइल पर सुविधा ऐप्स है, उस पर आप चुनाव के लिए कोई भी जानकारी ले सकते हो। विधानसभा मतदार सभा में सभी का मैं स्वागत करता हूं। इलेक्शन के कंटेस्ट में जितनी भी तैयारी है, वो पोलिंग स्टेशन की तैयारी करनी हो तो सभी पोलिंग स्टेशन की तैयारी हमने पूरी की है। इससे पहले जो मतदान केंद्र फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे थे, और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के तहत आप सभी को इजी अप्रोच हो, जो बूढ़े हैं, बीमार हैं या जो जिसको अस्थि व्यंग है उसको इलेक्शन में वोटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए सभी पोलिंग स्टेशन ये ग्राउंड फ्लोर पे ली गए हैं। उस जहाँ भी ग्राउंड फ्लोर पे ली गए हैं, जहाँ वहाँ रैंप की सुविधा की गई है, पोलिंग स्टेशन पे जितनी भी फैसिलिटी है वो सब अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है। जहाँ भी यहाँ कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे है, 87 पोलिंग स्टेशन ऐसे है कि जहाँ पोलिंग स्टेशन ओपन पैंडल में है, वो ओपन पैंडल में वाटर प्रूफिंग मंडप किए जा रहे हैं। स्कूल है वह स्कूल में शिफ्ट किए हैं। जो मतदार यादी है वो पहले 31 अक्टूबर की जो मतदार यादी है वो बेसिक मतदार यादी है, उसके बाद के जितने भी वोटर ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया 24 तारीख तक, वो सभी का नाम जिसका नाम अभी पुरौनी में आएगा, वो पुरौनी के साथ वो टोटल वोटर्स की यादी वहाँ रहेगी। यहाँ दूसरी फैसिलिटी ईवीएम और बाकी की जो फैसिलिटी है, ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम है वहाँ इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डेसिग्नेटेड प्लेस वहाँ फिक्स किया है, उसी प्लेस में वो जितने भी ईवीएम प्रिपरेशन है वो यही प्लेस में होने वाला है, वो उसका स्टोरेज भी यही होने वाला है। जो पोलिंग स्टेशन पे मतदान केंद्र जाने वाले हैं उसके बाद जो रिसीविंग होगा वो यही लोकेशन में ईवीएम का रिसीविंग होगा और वो वही स्टोर किए जाएंगे। या काउंटिंग का सेंटर भी, वो स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर के बीच बहुत कम अंतर रखा है, उसका अप्रोच रखा है, वो सब सिक्योर प्लेस है। और यहाँ जितना भी कुछ प्रिकॉशन लेना है, पुलिस का जो कहे प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, सीआरपीसी का 107, 109, 110 और प्रिवेंटिव एक्शंस में एक्सटर्नमेंट और बाकी से सब दारूबंदी के जो कायदे हैं उसी के जब सब प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं, पुलिस
उसके साथ हमारी मीटिंग हो गई है। आज हमने पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार, संभाव्य उम्मीदवार, उनके साथ भी डिटेल बातचीत हो गई है। ठीक है, सहयोग के लिए मेरा खूब खूब धन्यवाद। और सभी उम्मीदवार और सभी मतदारों के लिए मैं यहाँ आह्वान करता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट की व्यवस्था, निवडणूक निर्णय अधिकारी की व्यवस्था ही आप सभी के लिए फैसिलिटेटर के मूड में है, और सभी को जहाँ जहाँ दिक्कत है, जहाँ जहाँ काम है, वह सब हम फैसिलिटेटर की भूमिका में प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ इतनी विनंती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के दिन वहाँ ये मतदान उत्सव में सहभाग ले। थैंक यू। शिकायत आप थेट हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक कक्ष, आचार संहिता कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ भरारी पथक हर टाइम 7/24 फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति की गई है। वो 3 स्क्वाड 8-8 घंटे के लिए रोटेशन में डे नाइट ये करते रहेंगे। और अगर ऐप करना है तो सी विजिल नाम का ऐप है, उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो कंप्लेन में आपके लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर, वो सब डिटेल आते हैं। वो कौन से भी आपकी तकरार है, वो 100 मिनट के अंदर कि हम उसको ट्रैक करेंगे। आपने सुना, मुमरा के एमएम वैली स्टेडियम में 149 विधानसभा चुनाव कार्यालय बनाया गया है, जहां चुनाव अधिकारी ने बताया उम्मीदवारों का फॉर्म 27 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ही लिया जाएगा, और उसके लिए सारे इंतजाम स्टेडियम में ही किया गया है। उम्मीदवारों को प्रचार से जुड़ी किसी भी परमिशन के लिए योजना बनाई गई है। रैली, रोड शो के लिए परमिशन स्थानीय पुलिस स्टेशन से लेना होगा, सभा के लिए टीएमसी के प्रभाग समिति से भी लेनी होगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।